लाहौर के बारे में मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक है लाहौर का खाना और दूसरा है पुराना लाहौर। मतलब आप लाहौर आए और आपने पुराना लाहौर नहीं देखा, तो आप लाहौर आए क्यों? हम आए थे शाही इमाम और यहाँ से है शाही इमाम की एंट्रेंस और यहाँ से जाते हैं अंदर, तो अभी हम जा रहे हैं शाही इमाम के अंदर। सो ये है बेसिकली शाही हमाम, और अगर आपको वो पूल नज़र आए वो ऑक्टागोन की शेप में है जहाँ पे बादशाह वगैरह नहाया करते थे, और आर्किटेक्चरली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस है। पुराना लाहौर जिसको वॉल सिटी ऑफ लाहौर भी कहा जाता है, उसके बारे में जो दो चीज़ें मुझे पसंद हैं, एक है यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जिन्होंने उस आर्किटेक्चर को प्रिजर्व रखा हुआ है, और दूसरा यहाँ का कल्चर है। मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि बट मुस्लिम्स आ रहे हैं बट पाकिस्तान रेली इस। हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, पठान भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, बलोची भी मिलेंगे, लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं। दैट इज़ वट मेक्स इट पाकिस्तान और दैट इज़ वट लाहौर इज़ ऑल अबाउट। पुराने लाहौर आए और न्यू फूड स्ट्रीट में खाना खाने नहीं आए, तो लाहौर आए क्यों बताओ? इस फूड स्ट्रीट की खास बात यह है कि यहाँ पे एक साइड पे तो बादशाही मॉस्क है जो कि आपको ऊपर से रूफटॉप से परफेक्ट व्यू नज़र आएगा, और दूसरा यहाँ पे बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप पाकिस्तानी आराम से खा सकते हैं, और अच्छा सीन है, म्यूज़िक है लाइव और काफ़ी लोग हैं।
यार इस फूड स्ट्रीट में सारे पैसे इन रेस्टोरेंट्स के व्यू गए हैं जो यहाँ से व्यू नज़र आता है। ऑल्दो ये रेस्टोरेंट्स कुछ महंगे ज़रूर हैं लेकिन सारे पैसे इस व्यू के हैं। यहाँ से आपको बादशाही मस्जिद भी नज़र आती है, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आता है, गुरुद्वारा भी नज़र आता है और यहाँ पे रश भी है, मतलब लाइवली एटमॉस्फेयर है। आप यहाँ पे आएँ, खाना खाएँ, मौसम अच्छा है, सर्दियाँ इंजॉय करें।